में एकता कपूर नाग के रोल में किस एक्टर को लेकर आने वाली हैं, ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले तो खबरें सामने आई कि शाहिर शेख नागिन 6 में बतौर लीड एक्टर नजर आएंगे, लेकिन शाहिर तो किसी और शो को ही साइन कर चुके हैं। वहीं अर्जुन बिजलानी के नाम के सामने आने के बाद उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि वो शो का हिस्सा नहीं बन रहे। इन सब के अलावा और भी कई टीवी एक्टर के नाम सामने आए, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसको लेकर फैंस में बेहद ही तगड़ा बज देखा जा रहा है। खास बात यह है कि ये एक्टर नागिन सीरीज का पहले ही हिस्सा रह चुका है और वो एक्टर है पल्लवी पुरी। आपको बता दें कि अर्जुन बिजलानी के अलावा ये खबरें भी सामने आई थी कि पल्लवी पुरी को नागिन 6 के लिए अप्रोच किया गया है। अब ये बात कितनी सच है ये तो फिलहाल किसी को नहीं पता, लेकिन पर्ल का नाम सामने आने के बाद एक बार फिर से फैंस पर्ल को नाग के रूप में देखने की तगड़ी डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में क्या लोगों की इस भारी डिमांड को एकता कपूर पूरा करेंगी? क्या एक बार फिर से पर्ल को मिलेगा नागिन के नए सीजन में लौटने का मौका? हालांकि देखा जाए तो एकता हर बार नागिन के नए सीजन में नए नागिन के अलावा नए एक्टर को नाग बनने का मौका देती हैं। लेकिन फैंस का मानना है कि पर्ल अगर शो में आते हैं तो इसका फायदा शो को हर हाल में होना तय है। आपको बता दें कि पर्ल नागिन 3 में लीड रोल में नजर आ चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नागिन 3 की रेटिंग नागिन के अब तक के तमाम सीजन से सबसे ज्यादा रही थी। पर्ल को इस शो में काफी पसंद भी किया गया था। वहीं अब एकता नागिन 6 को हिट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। अगर फैंस की डिमांड को देखते हुए एकता पर्ल को लाने का फैसला करती हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि नागिन के फैंस और पल्लवी पुरी के फैंस कितने खुश होने वाले हैं। और एक बार फिर से ये शो वैसा ही कमाल कर सकता है जैसे कि सीजन 3 ने किया था। वैसे आपको बता दें कि पर्ल और एकता कपूर काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। साल 2021 में जब पल्लवी पुरी पर एक नाबालिग लड़की ने रेप जैसा गंभीर आरोप लगाया था, उस वक्त एकता ने पर्ल को खूब सपोर्ट किया था। वैसे भी इस इंसिडेंस के बाद पर्ल किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई। लंबे वक्त से टीवी से दूर है पल्लवी पुरी। ऐसे में फैंस का ये मानना है कि लंबे वक्त के बाद पर्ल का टीवी पर वापसी करने का मौका नागिन 6 से बेहतर और कोई शो नहीं हो सकता। फुल फैंस तो पर्ल को नागिन 6 में देखने की भारी डिमांड कर रहे हैं। हालांकि अब वाकई एकता कपूर पर्ल को ही दोबारा मौका देती हैं या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप ये जरूर बताइए कि आप नागिन 6 में किसी नए एक्टर को देखना चाहेंगे या फिर एक बार फिर से पल्लवी पुरी को ही नाग के रूप में देखना पसंद करेंगे। बताइएगा अपने जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में।